Okay, this is the third part of the immunology. So in this video, we're going to do, first of all, we're going to do immunoglobulins. Immunoglobulins are basically the immunizing agent which are responsible for the passive immunity, which I already told you guys. Achha, ab isme kya hota hai? Hamare paas different type of antibodies hote hain, GAMED, theek hai? Ab G antibody jo hoti hai na, ye hamare paas, sabse pehle, hamare paas primary response mein jo antibody hoti hai na, that's IgM, theek hai? Primary response mein IgM hoti hai, aur secondary response mein hoti hai IgG, theek hai? Ab jo IgM hoti hai na, ye हमारे पास pentavalent होती है, ठीक है, लेकिन ये placenta को cross नहीं कर सकती, जबकि जो IgG होती है ना, placenta को cross करती है, और ये हमारे पास secondary response which I already told you and it's a long lasting antibody, ठीक है? फिर इसके बाद जो IgA है, obviously ये secretions में होती है, IgE जो होती है anaphylactic reactions और जो allergy वगैरह होती है उसमें responsible होती है, ठीक है? और जो IgD होती है ना, ये बेली ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल्स होती है, ठीक है? अच्छा जी, फिर इसके बाद जो इम्यूनोग्लोबुलिंस की प्रिपरेशंस है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिंस होती हैं और एक हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिंस होती हैं, ठीक है? फिर इसके बाद यूजेस की अगर हम बात करें ना, तो हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिंस जो है ना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है? तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है? और सही है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में हम बेसिकली यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस बी में, रेबीज में और टेटनस में, ठीक है? टेटनस में, रेबीज में और हेपेटाइटिस बी में, ठीक है? अब इसकी जो है ना, ये मेनली हम आईएम दे रहे होते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद इसकी जो है ना, वो होती हैं कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं लोकली, तो पेन होती है और एप्सिस बनती है, ठीक है? और अगर सिस्टेमिकली आप देखो ना, तो क्या होता है, एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शन होते हैं, ठीक है? फीवर होता है, यूटिकेरिया होता है, डायरिया होता है, इसके अलावा आर्थ्रेलजेस वगैरह होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं एंटी सीरास पे या एंटी टॉक्सिन्स पे, ठीक है? अब जो एक मिनट सबर। अच्छा, अब जो एंटी सीरास और एंटी टॉक्सिन्स होते हैं ना, ये हमारे पास बेसिकली, फॉर एग्जांपल, एक एंटीजन है, आप किसी एनिमल में एडमिनिस्टर कर देते हो, ठीक है? अब उस एनिमल के अंदर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है? आप वो एंटीबॉडीज़ कलेक्ट कर देते हो, जिसको हम एंटी सीरास कहते हैं, वो आप जाके एडमिनिस्टर कर देते हो दूसरे बंदे में, ह्यूमन में, जिसको डिजीज़ है, ठीक है? सही है, तो इसको आप एंटी सीरास कहते हो। अब एंटी सीरास हमारे पास मोनोवेलेंट होते हैं और हमारे पास पॉलीवेलेंट होते हैं। मोनोवेलेंट फॉर वन स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, पॉलीवेलेंट जो होते हैं मोर देन वन एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है? फिर इसके एग्जांपल्स में हमारे पास डिफ्थीरिया के अगेंस्ट जो है वो एंटी टॉक्सिन्स होते हैं, एंटी सीरम्स होते हैं, बॉटुलिनम के लिए एंटी टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है? स्नेक बाइट के लिए हो गए, गैस गैंग्रीन के लिए हो गए, ठीक है? अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कोल्ड चेन पे, ठीक है? ये कोल्ड चेन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, कोल्ड चेन में क्या होता है कि कोल्ड चेन में मेनली हमारे पास जो वैक्सीन बनती है, मैन्युफैक्चर होती है ना, तो मैन्युफैक्चर होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होती है टू दी सेंट्रल स्टोर्स में, ठीक है? सेंट्रल स्टोर्स ऑफ द वैक्सीन में जाती है, ठीक है? सेंट्रल स्टोर के बाद ये जाती है रीजनल स्टोर्स में, रीजनल स्टोर्स में पहुँचने के बाद ये जाती है डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बाद ये जाते हैं हेल्थ सेंटर्स में, फिर डिस्पेंसरीज में, और फिर अप्लाई हो जाती है, ठीक है? अच्छा जी, फिर हमारे पास है इक्विपमेंट ऑफ द कोल्ड चेन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट ऑफ द कोल्ड चेन क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास होता है वॉक इन कोल्ड रूम, ठीक है? वॉक इन कोल्ड रूम होता है, फिर उसके अंदर हमारे पास होते हैं कोल्ड बॉक्सेस, कोल्ड बॉक्सेस के बाद हमारे पास हो गए वैक्सीन कैरियर्स एंड फ्लास्क, याद रख लेना, ठीक है? फिर हमारे पास होते हैं डे पैक्स, आइस पैक्स, रेफ्रिजरेटर जो -15 to -25 के बीच में होता है, ठीक है? दैट्स इट। ओके, देर इज़ अ थिंग विच इज़ कॉल्ड ड्राइड वैक्सीन ना, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन जो है ना, बेसिकली ये वो वैक्सीन होती हैं जिसको आप बर्फ़ में रखते हो और उसको बिल्कुल ऐसे उसको आपने फ्रीज करना होता है प्रॉपर, जैसे पोलियो हो गया, BCG हो गया, मीजल्स हो गई, इनकी वैक्सीन आपने देखी होंगी कि जो पोलियो के वर्कर्स आते हैं तो उनने फ्रीज उसमें रखी होती हैं, कूलर्स में रखी होती हैं वैक्सीनेशंस। और ये वैक्सीन अगर ये ड्राई ना रहे और गीली गीली हो जाए ना, तो ऑब्वियसली फिर ये काम नहीं करेंगे, इनको डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आते हैं वैक्सीन वेल मॉनिटर, ठीक है? वैक्सीन वेल मॉनिटर बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें देखो क्या होता है कि जो वैक्सीन का वेल होता है ना, जो वैक्सीन का ढक्कन होता है, सर जो होता है ना,
वो जो होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इसका ढक्कन होता है ना, इसमें हमारे पास गोल ढक्कन है ना, तो गोल ढक्कन में हमारे पास अंदर एक स्क्वायर होता है। अब जो स्क्वायर होता है ना, ये नॉर्मली लाइटर देन होता है द सराउंडिंग सर्कल, ठीक है। तो अब फर्स्ट चार स्टेजेस हैं, स्टेज वन, टू, थ्री एंड फोर, ठीक है। स्टेज वन में क्या होता है कि ये जो इनर स्क्वायर होता है ना, ये लाइटर होता है देन द सराउंडिंग सर्कल, ठीक है। स्टेज टू जो है ना, ये इनर सर्कल जो होता है ना, अब बिट डार्कर हो जाता है बट स्टिल लाइटर देन द सराउंडिंग सर्कल, ठीक है। स्टेज थ्री जो होता है ना, ये हमारे पास द इनर स्क्वायर बिकम इक्वल्स टू दी, लाइक दोनों का कलर इक्वल हो जाता है, ठीक है। और स्टेज फोर जो होता है ना, इट बिकम मोर डार्कर देन द सराउंडिंग सर्कल। तो स्टेज वन टू हम फिर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर की जो वैक्सीन होती है उसको डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद शेक टेस्ट आता है। शेक टेस्ट ये होता है, जब भी आप वैक्सीन, WHO का रिकमेंडेशन है कि जब भी आप वैक्सीन यूज़ करते हो तो उसको आपने शेक करना होता है। शेक करने के लिए का मकसद ये होता है कि आप देख लो कि इसमें कोई टर्बिडिटी तो नहीं है, फ्लॉकुलेशंस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगर है तो डिस्कार्ड कर लो। थ्रॉबिंग क्या होता है, थॉविंग ये होती है कि जब आप वैक्सीन यूज़ करते हो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पोलियो की बात कर लो, BCG की बात कर लो, या मीजल्स की वैक्सीन की बात कर लो, तो उसको यूज़ करने से पहले आपने उसको थोड़ी देर छोड़ देना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पोलियो की वैक्सीन फ्रीज होती है, तो उसको हमने छोड़ना होता है ताकि वो ज़रा वो हो जाए, यूजबल हो जाए, मतलब ऑब्वियसली हमने इंजेक्ट करना है ना, इंजेक्शन में आ सके ना, तो आएगी फिर उसको हम जो है वो यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट। अच्छा जी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।